मीडिया को एक सबसे बड़ा रोजगार मिल गया है। लगभग 100 से अधिक मौत हो चुकी है। बाहर से आप गल्ला फाड़ फाड़ करके इस देश में SIT है वो अपने में मौज मस्ती करेगी। अगर किसी भी प्रकार के नफरत फैलाते हैं, अगर किसी भी दोस्तों नमस्कार। अपने देश में एक महिला का आगमन हुआ है और वह महिला आगमन किस प्रकार से हुआ है तो मैं बता दूं कि उस महिला का आगमन अवैध रूप से हुआ है और हमारे देश के सीमा सुरक्षा बल को चुनौती देकर के अपने देश में एंट्री हुआ है। मगर उस महिला को आने से हमारे देश के जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले जो मीडिया है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, वो मीडिया को एक सबसे बड़ा रोजगार मिल गया है। अपने देश में लाखों हजारों समस्या है, यहाँ तक कि अपने देश के पूर्वोत्तर राज्य हिंसा में जल रहा है। हिंसा में वहाँ के जो लोग हैं, लगभग 100 से अधिक मौत हो चुकी है। उन सबों को दरकिनार करके हमारे जो देश के जो मीडिया है, जिसे हम लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहते हैं, वो मीडिया उस अवैध रूप से अपने देश में एंट्री करने वाले उसके ऊपर अपने पानी पी पी कर खाना खा खा करके उस महिला से ये पूछा जा रहा है कि आपने आया क्यों, आपने आ करके किया क्यों, आपको भेजा है कौन, आपको आने से फायदा है कैसे। उसको कुर्सी दिया जा रहा है, उसे घुमाया जा रहा है। उस महिला को हमारे देश के, हमारे यूपी के, हमारे बिहार के SIT जांच कर रही है, उसे पूछताछ कर रही है। अरे हमारे माननीय मीडिया बंधु, कृपया और मुद्दा को तो उठाइए। अगर आपको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इन महिला को मुद्दा छोड़ दीजिए और जो हिंसा में जो जल रहा मणिपुर का जो मुद्दा है उसे देश के सामने परोसिए ना, कि सब मुद्दा को छोड़ करके आप वो जो अवैध रूप से अपने देश में एंट्री की हुई महिला के ही ऊपर आप लगे रहिएगा। अरे उतना जानने के लिए आपको ज़्यादातर इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है। मात्र 2 मिनट में उस महिला का इंक्वायरी हो जाएगा। जिस प्रकार से आप गल्ला फाड़ फाड़ करके इस देश के ढोंगी बाबा जिसे कहते हैं बागेश्वर बाबा, उसे पूछ लीजिए कि जो महिला है, जो सीमा हैदर या सीमा गुलाम हैदर, वो जासूस है कि प्यार के चक्कर में पड़कर अपने देश में 7 समुंदर पार आया है। ज्यादा आपको कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा बागेश्वर जैसे अपने देश में विभिन्न प्रकार के ठगेश्वर हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि जो महिला हैदर है, जो महिला सीमा है, वो जासूसी है या जासूस करने आया है, अपने देश के सुरक्षा के साथ खेलने आया है, लव करके डब से नहाने आया है। इस देश में SIT है, हमारे SIT, हमारे शासन, हमारे कानून उस महिला को पूछताछ और उस महिला के ऊपर लगी हुई है कि वो जो 7 समंदर पार प्यार स्यार के चक्कर में जो आई है वो सही में जासूस है या प्यार के चक्कर में आई है, इसकी जांच तो SIT कर रही है ना। आप तो आपका काम और है, वहाँ जो हिंसा हो रहा है उस चीज़ को दिखाइए। कहीं कहीं बाढ़ से अपने देश में तबाही मचा हुआ है, उस चीज़ को दिखाइए। कहीं कहीं अपने देश में सूखा पड़ा है, जैसे हमारा इलाका सूखा पड़ा है, इसको दिखाइए ना। जो मूलभूत समस्या है उसे दिखाना चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर के पीछे पड़ने से आपका टाइम लॉस हो रहा है और टाइम लॉस होने के बावजूद उस सीमा हैदर का फॉलोअर बढ़ रहा है। आज से मात्र जैसे ही उसका सारा जांच प्रक्रिया हो जाएगा, उसके बाद उस महिला ने एक ID बनाएगी और सोशल मीडिया पर आएगा। जो हम सर्च कर करके देख रहे हैं, सीमा जासूस है कि प्यार के चक्कर में आया है, सीमा आखिर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ता इंडिया क्यों आया है, जो हम सर्च करके देख रहे हैं ना, जब उसके कानूनी प्रक्रिया जब सब समाप्त हो जाएगी तो बिहार के जो आरती है, वो जो जिस प्रकार से बिहार में जो ड्रामा की हुई है उसी के जैसा ये सीमा भी एक ID बनाएगी और सोशल मीडिया पर अपना
फैंस फॉलोअर बढ़ाएगा। ऐसे भी इसका फैंस फॉलोअर बहुत बढ़ चुका है, जैसे उसे कानून के दायरा से अपना काम निपटाएगी, वो एक आईडी बनाएगी और आईडी बना करके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर बनाएगा, लाखों करोड़ों फॉलोअर बनाएगा और हम और आप उसको लाइक और कमेंट करेंगे, उसका व्यूज बढ़ाएंगे और वो जो सचिन और जो सीमा है वो अपने में मौज मस्ती करेगी और पैसा कमाएगी और पैसा कमा करके पूरे देश का भ्रमण करेंगे और हम और आप लाइक कमेंट करके उसको पूरा देश घुमाएंगे। तो उसके पीछे तो इससे फायदा क्या होता है कि उससे पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है, ज़्यादातर फायदा है कि एक आज़ाद मीडिया सोशल मीडिया कहा जाता है, इस पर अपने आसपास की जो समस्या है उसे अपलोड कीजिए और इस देश में जो हो रहे अत्याचार के विरुद्ध हमारे देश के सरकार हमारे देश के कानून जिस प्रकार से सख्ती से काम कर रही है उसे सहायता कीजिए, ताकि जो समानतावादी विचारधारा के लोग है उसका जो घमंड है टूटे, फिर से वो लोग चाह रहा है कि वो 90 के दशक आ जाए। तो भाई साहब अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि फिर से खटिया पर नहीं बैठने देंगे, फिर से चप्पल नहीं पहनने देंगे, फिर से कपड़ा नहीं पहनने देंगे, तो भाई साहब यह देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं तो इस देश छोड़ करके या तो आप दूसरे देश चले जाइए, नहीं तो अगर हमारे देश के अगर कानून को पालन करना चाहते हैं तो इस देश में हर नागरिकों का अधिकार है सही से जीवन जीना और लोकतांत्रिक तरीका से अपने जीवन को व्यतीत करना। अगर किसी भी प्रकार के हरकत करते हैं, अगर किसी भी प्रकार के हरकत करते हैं, अगर किसी भी प्रकार के नफरत फैलाते हैं, अगर किसी भी प्रकार के समस्या उत्पन्न करते हैं, उन आपको पकड़ करके जेल में डालेगी और वो जो 90 के जो सोच है निकाल करके 10 फीट जमीन में गाड़ देगी। क्योंकि हमारे देश में संविधान लागू है, मनुस्मृति लागू नहीं है। जो आप अपने तौर तरीका से काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।